महासंघ का प्रयास किया गया है, कुछ लोग हैं उनमें जो हमने महासंघ का गठन किया उनमें उन बाजारों डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की एक मीटिंग का आयोजन किया गया हमारे आजीवन अध्यक्ष मोहनलाल जी शर्मा के निर्देशन में। हमारा व्यापार महासंघ श्री मोहनलाल जी शर्मा के निर्देशन में करीब 20 साल से कार्य कर रहा है और उसी में हमारे साथ लगभग 80 व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष को और उपाध्यक्षों के लेटर पेड है। हमारे पास पूर्ण समर्थन है उन्हीं का और उसी विषय में हमने एक मीटिंग रखी है। मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि अजमेर के जो बच्चे कुछ व्यापारी हैं उनको भी हम हमारे श्री अजमेर व्यापारी महासंघ से जोड़ेंगे। अजमेर शहर में चाहे कोई दूसरा भी व्यापार महासंघ हो, हम उनकी बुराई नहीं करते, वो भी व्यापारी भाई है, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं कई उनमें, पर मैं उनकी कभी बुराई नहीं करके मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ अजमेर के 4 या 5 व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं जबकि लगभग 80 व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ है। इस उपलक्ष्य में हमने मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग में जो ये कल अजमेर बंद के लिए अभिभावक आए हम इनकी भी बात हमने सुनी है। हम हमारी शाम को अजमेर व्यापार महासंघ की एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में निर्णय लेंगे कि इनका साथ किस तरह देना है। अगर वैसे हम इनके साथ हर तरह तैयार है, अगर ये धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसमें अजमेर व्यापारी महासंघ के 11 पदाधिकारी इनके साथ, चाहे कलेक्टर चाहे जयपुर चाहे कहीं भी जाना पड़े हम इनके साथ हैं, पूर्णतः इनका सहयोग करेंगे क्योंकि सबके बेटे हैं, हम भी अभिभावक हैं।